ये मूवी मेरे लिए एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि सरप्राइज ही रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने इस मूवी का कोई ट्रेलर नहीं देखा, इसकी कोई कहानी नहीं सुनी, बस इसको जस्ट जाके मैंने मूवी को देख लिया। अब होता है ना कि आपको ऐसी मूवी दिखा दी जाए जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता है, इसके अंदर इवन कौन से कलाकार है ये भी नहीं पता है, तो वो आपके लिए डेफिनेटली सरप्राइज ही बनती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ इस मूवी को लेकर। हाँ, तो जब इस मूवी को देख कर आया तो इसके बारे में मैंने मतलब चीज़ें जो पॉइंट हैं वो लिख लिए, और सोचा यार अभी ताज़ा ताज़ा मूवी देखी है तो इसका ताज़ा ताज़ा जो है वो रिव्यू कर देते हैं, वरना फिर वही वीडियो बनाने में लेट हो जाएंगे। थोड़े बहुत जो है वो पैसे आ रहे हैं, रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़े बहुत पैसे से आ रहे हैं वही छाप लेते हैं। क्या है जो इस मूवी के अंदर स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है, टेंशन ना लेना, कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि ये एक सस्पेंस मूवी है। इसमें आखिर में पता लगाना होता है कि किसने मर्डर किया है, तो उस तरीके की मूवी में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई मतलब मुझे क्या लगता है, ये तो एथिक्स एक सिंपल सी बात है समझनी चाहिए कि इसमें कोई भी चीज़ किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्पॉइलर नहीं बताना चाहिए, वरना बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, डांट सुनने को गालियां सुनने को मिल जाती हैं। खैर, तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, मर्डर जो मर्डर का एक प्राइम सस्पेक्ट होता है। अब पुलिस जब इसको गिरफ्तार करके लेके जाती है तो पुलिस को पता चलता है भाई साहब इस व्यक्ति का एक हमशक्ल भी है। तो ये जो ट्विस्ट आया ना, ये कसम से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब दोनों जो हैं वो हमशक्ल हैं, उनके उनमें कौन जो है वो मर्डर है इसका पता लगाना होता है पुलिस को, और इवन इसको तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि यार ये पुलिस कैसे पता लगाएगी। तो कहानी जो है वो स्टार्टिंग से मतलब देखो अभी स्टार्टिंग में तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि थोड़ी बहुत फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाई जाती है कि जो दोनों हमशक्ल हैं जिनको प्ले किया आदित्य रॉय जी ने, तो यहाँ पर इन दोनों की जब स्टोरी दिखाई जाती है कसम से उसमें इतना इंटरेस्ट मुझे नहीं आया। खासकर एक व्यक्ति मतलब एक जो रोल है मतलब डबल रोल ही किया है आदित्य रॉय कपूर ने, तो एक रोनी राणा करके जो है उसका रोल प्ले किया था, उसके डायलॉग उसकी जो हरकतें हैं वो तो मुझे पसंद आती हैं, वो जो एक तरीके का अलग करेक्टर जो प्ले किया गया है वो वाकई में ज़बरदस्त लगा मुझे, बहुत ज़्यादा वो पसंद आया, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी हरकतें हैं, जिस तरीके से उसने मतलब बताने का मन तो है बट फिर आपको स्पॉइलर पता चल जाएगा। मूवी में इंटरेस्ट तब आना स्टार्ट होता है जब इन्वेस्टिगेशन दिखाई जाती है कि भैया ये जब जो बंदे हैं ये जो बोल रहे हैं इनकी बातों के ऊपर जो पुलिस सुनती है, फिर वो सब छानबीन करती है, उन सब चीज़ों के ऊपर आपको इन्वेस्ट मतलब इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है। मुझे वहीं पर लगा कि यार ये मूवी अब तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट बना रही है। स्टार्टिंग में इतनी कोई इसके अंदर दिलचस्पी नहीं आई थी, हाँ धीरे धीरे इसमें दिलचस्पी जो है वो बन जाती है। सॉन्ग्स की अगर बात करूँ मूवी के अंदर तो मुझे वो इतने खास नहीं लगे। एक्शन एक जो रोनी राणा करके जो मैंने आपको बताया ना किरदार है उसके जो एक्शन एक दिखाए जाते हैं वो मुझे ठीक लगे, हाँ इतने खास भी नहीं जा सकता। बाकी जो मेन फोकस जो इस मूवी का रहा है वो स्टोरी के ऊपर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। कुछ एक लूप होल्स हैं मूवी के अंदर जो स्टोरी के अंदर जिस तरीके से हमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर उनको आप साइड में हटा दें तो मूवी आप वन टाइम तो कंसिडर कर ही सकते हो। देखो इस तरीके की जो मूवी होती है सस्पेंस वाली या ट्विस्ट वाली जिसके अंदर हमें मर्डर का पता लगाना होता है, ऑब्वियसली वो तो स्टोरी चल ही रही है आपके सामने, कहानी चल रही है, एक आपके दिमाग में भी चल रहा होता है यार ये व्यक्ति पक्का मर्डर निकलेगा, एक गैस आप भी करने की कोशिश करते हैं, सेम गैस मैंने भी करने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं यार वो गैस लगा तो सही लेकिन मुझे कोई एक पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था कि यार इसने अगर किया होगा तो क्यों किया होगा वो मर्डर। खैर ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते हैं इसके ऊपर। देखो मैं ओवरऑल अगर इस मूवी को मतलब एक लाइन में कहना चाहूँ तो वर्थ इट है, आप जाकर इस मूवी को देखेंगे तो मुझे अच्छी लगी, मतलब वो इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसकी स्टोरी नहीं पता थी, इसका मतलब एक सरप्राइज मिला है मुझे इस मूवी को जो मैंने देखा है, तो मुझे सही लगी है मूवी। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 6.5 out of 10। अगर आप लोग इसको देखना चाहें बेशक इसको देख सकते हैं, हाँ अच्छी टाइम पास मूवी है आपका, मतलब ओवरऑल इंटरेस्ट बन जाएगा इस मूवी के अंदर। जिन्होंने देखी है तो वो कमेंट सेक्शन ओपन है बता सकते हैं कि आपको इस मूवी को देखकर कैसा लगा, जिन्होंने नहीं देखा रिव्यू आपको जैसा लगा है आप उसके ऊपर भी बता सकते हैं कि आप देखने जाएंगे कि नहीं देखने जाएंगे वगैरह वगैरह। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।